हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत दिखाई देने लगी है। पेट्रोल डिपो घाटे में 30% तक सप्लाई कम हो रही है। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन का मानना है कि जो हालात बने हुए हैं उससे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की और किल्लत हो सकती है। तो ये मध्य प्रदेश के पेट्रोल डीजल में का जो संकट चल रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और भोपाल में लगभग 30% सप्लाई जो है वो घट गई है। इन दिनों देश के कई राज्यों में डीजल पेट्रोल की किल्लत हो रही है। जो पेट्रोल पंप हैं उनके डीलर्स का कहना है कि हमको सप्लाई कम हो रही है। इस विषय में असली हालत क्या है और क्या वजह है इस किल्लत की, हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह जी हैं। अजय सिंह जी, हालात क्या हैं अभी? हालात ये हैं कि कंपनियों से सप्लाई कम आ रहा है और दो कंपनियों से विशेष तौर से दिक्कत हो रही है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि हमें जो डीजल बेचने में करीबन 28 रुपये लीटर का नुकसान हो रहा है। चूँकि हम डीलर हैं, हम बंधे हुए हैं, कंपनी हमें ऑयल पेट्रोल डीजल अगर देगी तब हम बेच पाएंगे। अभी हालात ये है कि 2 या 3 दिन में लोड हमारे डीलरों को मिल पा रहा है, एक एक दो दो दिन वो ड्राई हो रहे हैं। तो ये जो ड्राई हो रहा है, तो हमको ये पता लगा कि कई पेट्रोल पंप पे बंद होने की नौबत भी आ गई है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है, 4 से 5 दिन का स्टॉक लेके हम लोग चलते हैं और ये क्राइसिस को 1 हफ्ता हो गया है, तो जैसे जैसे ये दिन बढ़ेंगे ड्राई आउट पंपों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। ये भी पता लगा है कि जो डीलर से जो हैं आप लोगों को सप्लाई का उन्हें टाइमिंग कम कर दिया है। हाँ, डिपो जो पहले 7 बजे तक खुलता था वो अब 8 से 5 कर दिया है। पहले इन्हीं दिनों में, क्योंकि खरीफ की सीज़न है, सोयाबीन और धान की बोनी होनी है, तो इस टाइम तो क्या होता था कि जो हॉलीडेज होते थे, संडे है या और कोई हॉलीडे है, उसमें भी फुल वर्किंग रहता था और डेली 11 बजे तक डिपो खुले रहते थे। अब चूँकि कंपनियों को घाटा है तो उनने घाटा कम करने का यही तरीका अपनाया है कि जितना हम कम बेचेंगे उतना हमें कम घाटा होगा। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी पेट्रोल की कमी देखने को मिल रही है। पूरे प्रदेश में करीब 2000 पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल है ही नहीं। जयपुर के 100 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर इस वक्त आप अगर जाएंगे तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भर पाएगा, जिसकी वजह से लोगों में परेशानी देखने को मिल रही है। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सप्लाई पूरी तरह रुकी हुई है, जिसकी वजह से जिन पेट्रोल पंप्स पर इस वक्त पेट्रोल मिल रहा है वहां लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। अभी तक जयपुर में डीजल की ही किल्लत थी, लेकिन अब पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल भी खत्म होता दिख रहा है। एक ग्राहक इस वक्त पहुंचे हैं, आपका नाम जानना चाहूंगा। राजेश शर्मा जी। राजेश जी, क्या करते हैं? मैं परचेज मैनेजर हूं जी। तो आपका काम दिन भर घूमने का है? यस सर। तो कितना घूमते हैं पूरे दिन में? करीबन 100 किलोमीटर सर। तो पेट्रोल लेने आए थे, यहाँ क्या कहा गया? यहाँ पेट्रोल ही नहीं है सर। कितने पेट्रोल पंप पर जाके आए? मैं सर 3-4 पे जाके आया हूँ। क्या कहा गया? पेट्रोल पंप पेट्रोल नहीं है, खत्म हो गया है। तो कैसे करेंगे आप अपना आज का? पता नहीं, अभी गाड़ी भी रिजर्व में लगी हुई है। हाँ। बड़ी प्रॉब्लम हो गया। बड़ी प्रॉब्लम हो गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पंप पे फिलहाल पेट्रोल मिल रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? जाना पड़ेगा सर, क्या करें, मजबूरी में दिक्कत तो हो रही है। कहाँ जाके आए आप? अभी मैं अजमेरी गेट पे गया था, आगरा रोड पे 2 पेट्रोल पंप पे आते टाइम भी मैंने घर से आया था, तब मैं पूछ के आया था, वहाँ पर भी नहीं था। तो इस तरीके से आम व्यक्ति परेशान हो रहा है, क्योंकि अब डीजल के बाद पेट्रोल की भी किल्लत हो रही है, और स्थिति को सामान्य करना होगा तो पेट्रोल कंपनियों को, जितनी भी कंपनियां हैं उनको समन्वय के साथ अपनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। IOC अपनी तरफ से सप्लाई पूरी कर रहा है, लेकिन HPCL और BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम, इनकी सप्लाई लगातार कम बनी हुई है। ABP News, आपको रखे आगे।